और जब से इंडिया में भाई 5G आया, लोगों की दुनिया चेंज हो चुकी है, क्योंकि 5G आपको देता है अनलिमिटेड डाटा कि जितना मर्जी यूज करो, कोई चक्कर नहीं है। कोई चक्कर नहीं है। काफी लोगों ने भाई अपना एक नॉर्मल सा 4G फोन को साइड पे रखे, एक नया 5G फोन ले लिया ताकि वो भाई अनलिमिटेड डाटा यूज कर सके। अब तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब हमें न्यूज मिलती है कि हमें 5G चलाने के लिए भी पैसा देना पड़ेगा। मतलब जो चीज पहले फ्री थी, अब हमें उस चीज को चलाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। इस वीडियो में तुम्हारा भाई बताएगा कि आपको कब तक 5G फ्री देखने को मिलेगा, कब आपको पैसे देने पड़ेंगे और क्यों, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम, आप लोग देख रहे हैं टेक यूनिट एंड फटाफट शुरू करते हैं, लेट्स गो। ओके, अगर हम सूत्रों के हिसाब से चले तो एयरटेल ये कह रहा है कि 4-5 महीने बाद ना प्राइस हाइक होने वाला है हमारे प्लान में, चाहे आपका पोस्टपेड प्लान हो या प्रीपेड प्लान हो, सब में प्राइस इंक्रीज होने वाला, आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा और यू नो प्लान बढ़ जाएंगे अब। और एयरटेल का कहना ये है कि हम फ्री 5G इसलिए दे रहे थे लोगों को ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेटअप हो सके और लोगों को एक ना आदत डाल सके 5G यूज करने की, क्योंकि काफी लोग ये समझ के बैठे थे कि भाई 4G और 5G में ज्यादा फर्क नहीं होगा। और ये इस चीज को मिटाने के लिए, ये वहम को मिटाने के लिए एयरटेल ने अपना फ्री 5G इंट्रोड्यूस किया। कहने का मतलब बेसिकली ये जो एयरटेल और जियो थे ना, ये अपना 5G को टेस्ट कर रहे थे कि भाई इंडिया में ये कैसा चलेगा, कैसा वर्क करेगा और मतलब कितनी स्पीड आ सकती है, बेसिकली कितना कामयाब है हमारा 5G, वो टेस्ट करने के लिए ये फ्री 5G दे रहे थे कि लोगों को भाई यूज करो, जितना मर्जी यूज करो, कोई चक्कर ही नहीं है। अगर एयरटेल अपने प्राइस बढ़ा रहा है थोड़े बहुत, तो जियो तो पीछे रहेगा नहीं, वो भी अपने प्राइस बढ़ाएगा, बट वो अफोर्डेबल बनाएगा थोड़े से, कि मतलब ज्यादा कोई बड़ा चेंज नहीं कर देगा एयरटेल की तरह, बट अफोर्डेबल बना देगा, लेकिन प्राइस हाइक उसमें भी होगा। जियो स्लाइडली 10-15% अपना प्राइस इंक्रीज कर सकता है, लेकिन जियो इसके साथ ये भी प्रॉमिस कर रहा है कि आपको 30% ज्यादा इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे हम। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ऐसे अनाउंस किया है कि हम इस साल ऑक्शन रखने वाले हैं शेयर्स खरीदने का। शेयर्स बेसिकली किसके? 5G के शेयर्स। जी हाँ, जितने भी ब्रांड्स हो गए, एयरटेल, जियो, VI को मैं यार क्या बोलूँ यार, उन्होंने अभी तक 5G अपना लेके नहीं आई 5G अब तक। यार ये एयरटेल और जियो हो गए, ये यहाँ पे आके पैसा लगाएगी कि, और जितना ज्यादा पैसा लगाएगी उतने ज्यादा आपको 5G के शेयर्स मिल जाएंगे। पिछले साल 2022 में जियो ने बैटल जीती थी और इसलिए आपको भाई जियो में सबसे पहले 5G देखने को मिला था, और कुछ टाइम बाद आपको एयरटेल में मिल गया था फिर। लेकिन इस साल बताया जा रहा है कि कम से कम 2 बिलियन लगाने वाला है एयरटेल इस बैटल को जीतने के लिए। खैर पता नहीं अंबानी जी कितना पैसा लगाएगी, खैर अंबानी जी की तो बस बहुत पैसा, अब देखते हैं शेयर्स किसके पास ज्यादा आते हैं, जिसके पास ज्यादा आएंगे वो भाई बैटल जीत जाएगा। अब ये ऑप्शन क्यों रखे जाते हैं भाई? ये ऑप्शन रखने पड़ते हैं कुछ साल बाद, क्योंकि भाई हम डेली पता नहीं कितने सैकड़ों लोग भाई जियो से एयरटेल, एयरटेल से जियो जाते रहते हैं, तो इस चक्कर में भाई सब्सक्राइबर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं उनके, और हर दिन भाई एयरटेल और जियो में सब्सक्राइबर्स का उतराव चढ़ाव लगा रहता है। खैर आप भी सब्सक्राइबर बन सकते हो इस चैनल के, सब्सक्राइब करके कर दो यार। अब जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे किसी भी टेलीकॉम में, वहाँ पे भाई ज्यादा आपको इंटरनेट प्रोवाइड करना पड़ता है अलग अलग लोगों को, और सेम डाटा प्रोवाइड करना पड़ता है, सेम स्पीड प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि कोई कंप्लेंट ना करे, जिस वजह से भाई 5G के शेयर्स लेने पड़ते हैं 5G को यूज करने के लिए। और 5G को खरीदने में भाई टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का काफी ज्यादा पैसा लगता है, मतलब बहुत पैसा लगता है, उस सारा अपना जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा उसी में लगा देते हैं और उसी से प्रॉफिट जनरेट करते हैं आगे। अब जियो और एयरटेल फ्री 5G इसलिए देने लग पड़े ताकि भाई वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके यार, MLM की तरह लेवल सबके निकलेंगे। उन्होंने फ्री 5G इसलिए अनाउंस किया ताकि भाई अब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए हमारी तरफ, ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके हमारा नेटवर्क, और एक तो फ्री में देखने को मिल रहा है, ऊपर से अनलिमिटेड मिल रहा है यार, मतलब एक ही प्लान में आपको अनलिमिटेड डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये तो भाई सोने से सुहागा था लोगों के लिए। यू नो अब तो सब जानते हैं भाई इंटरनेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज की लाइफ में यार, मतलब रोटी मकान कपड़े के साथ साथ इंटरनेट भी जुड़ चुका है आज की डेट, और वही इंटरनेट अगर आपको फ्री में देखने को मिले और वो भी अनलिमिटेड देखने को मिले, फिर तो लोगों का सब्र खत्म हो जाएगा भाई साहब, लोग तो फिर आएंगे ना फ्री 5G की तरफ। अब जिन्होंने भाई 5G फोन लिया हुआ था फ्री 5G के लिए, अब वो 5G फोन दोबारा फेंक भी नहीं सकते, अब वो चलाना पड़ेगा, अब उसको चलाने के लिए आपको 5G नेटवर्क लगेगा, और वो कौन दे रहा है? एयरटेल और जियो। और इसलिए भाई ये लोग मौके का फायदा उठा रहे कि पहले उन्होंने फ्री कर दिया, लोगों को आदत डलवा दी, अब हम पेड कर देंगे तो लोगों की आदत छूट भी नहीं सकती और उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये फैक्ट है कि जिसने भाई 5G का एक्सपीरियंस ले लिया वो दोबारा 4G में नहीं आ सकता। एयरटेल और जियो थोड़ा थोड़ा प्राइस अपना बढ़ाएगी, धीरे धीरे प्राइस बढ़ाएगी, जितने भी प्लान उनके 5G के मिल रहे हैं वो सारे थोड़े थोड़े प्राइस इंक्रीज करेंगे, और फिर एंड में तो भाई वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाएंगे। जैसे कि जब जियो आया था फर्स्ट टाइम इंडिया में, तो जियो ने सबको फ्री दे दिया भाई सिम, सबको फ्री बांटा सिम कि भाई जितना मर्जी चलाओ 1 GB आपको फ्री मिलेगी। उस टाइम तो भाई 1 GB बहुत कहने की बात होती थी भाई, बहुत बड़ी बात होती थी 1 GB मिलना फ्री में वो भी, और उस टाइम भाई जियो ने सारा नेटवर्क अपना फैला लिया पूरे इंडिया में, उसके बाद उन्होंने प्राइस बढ़ा लिए, प्राइस अपने बढ़ा लिए, प्लान्स बढ़ा लिए अपने, पैसा देना पड़ेगा। ऐसे ही 5G में होने वाला है कि 5G पहले पहले तो फ्री था,
अब आपको थोड़ा थोड़ा प्राइस इंक्रीज देखने को मिलेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। याद है आपको कुछ टाइम पहले भाई एयरटेल ने एक इवेंट अनाउंस किया था जहाँ पे भाई काफी सारे क्रिएटर्स आए थे जिन्होंने भाई अपना 5G एयरटेल का जो 5G स्पीड है वो टेस्ट की थी। उस इवेंट में ही आपको भाई 4 Gbps की स्पीड मिल रही थी। आई मीन क्रेजी यार, उस इवेंट में भाई लोग क्लाउड गेमिंग खेल रहे थे यार, और खेल भी ऐसे नहीं देगी भाई, लैग ही नहीं हो रही थी गेम बिल्कुल भी। इसके साथ साथ भाई एयर फाइबर भी बहुत जल्द काफी सिटीज में आने वाला है, कुछ कुछ सिटीज में है जैसे कि दिल्ली मुंबई वगैरह में, मुझे बेंगलुरु टाइप इन सिटीज में एयर फाइबर ऑलरेडी है, लेकिन कुछ कुछ सिटीज में नहीं है। और ये एयर फाइबर बहुत जल्द इंट्रोड्यूस होने वाला है, एयरटेल और जियो ने तो कर ही दी है, बहुत जल्द VIP करने वाली है। कहने का मतलब है जैसे आपका फोन इंटरनेट ले रहा है ना, वैसी आपका वाईफाई अब इंटरनेट लेगा, मतलब सैटेलाइट के थ्रू। कोई केबल कनेक्शन नहीं, कोई आपको तार कोई टूटगी कटनी कुछ टेंशन नहीं होनी, और तार फ्री कह सकते हो, वो वैसा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ भाई जियो हमारे अंबानी जी 6G की भी तैयारी कर रहे हैं भाई, 6G मतलब 5G भाई बहुत मोर देन इनफ होता भाई, लेकिन 6G भाई काफी अंडर प्रोसेस है, अभी बहुत टाइम है उसको आने के, एक्सपेक्ट करो 2030 में या 2031 में आएगी वो चीज। इसके साथ साथ भाई कुछ लोग कहते हैं भाई VI तो बहुत घटिया कंपनी है, उन्होंने तो अभी तक 5G भी नहीं इंट्रोड्यूस किया अपना, मतलब एयरटेल और जियो ने तो बहुत टाइम से 5G दे रहे हैं लोगों को। अब जैसे जैसे कोई नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो महंगी होती है ना वो टेक्नोलॉजी, अब जियो अंबानी जी के पास तो बहुत पैसा है तो वो खरीद लेते हैं, एयरटेल जी के पास भी बहुत पैसा है, भारती जी के पास बहुत पैसा है, खरीद लेते हैं वो भी। अब VI बेचारा क्या करे, जिन्होंने अभी अभी भाई यू नो पार्टनरशिप करके एक यू नो नया नेटवर्क अनाउंस किया अपना, तो वो तो क्या ही करे, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम अभी पैसा बचा रहे हैं और बहुत जल्द भाई हम अपना 5G इंट्रोड्यूस करेंगे, जब यू नो कॉस्ट इफेक्टिव जब हो जाएगा ना 5G तब हम इंट्रोड्यूस करेंगे 5G। और इसके साथ साथ भाई VI फंड भी रेस कर रहा है ताकि वो अपनी कंपनी को बड़ी कर सके, काफी लोगों से यू नो उधार उधार मांग रहा है। BSNL अभी भी भाई 4G के ऊपर फोकस कर रही है, उन्होंने कुछ टाइम पहले रिपोर्ट बताई थी अपनी कि उन्होंने 3300 कुछ टावर्स 4G के बट लगा दिए इंडिया में। काफी कम लोग होते हैं जो भाई 4G से 5G के स्विच होते हैं, लेकिन जिस दिन आप 5G के स्विच हो गए आपका मन नहीं करेगा 4G के स्विच होने का। काफी लोग जानते होंगे BSNL अभी भी कई कई सिटीज में 3G नेटवर्क आपको दे रहा है, तो जो कि काफी बैड न्यूज है, लेकिन 4G में बहुत जल्द वो भी स्विच हो जाएगी, एंड इस साल के एंड तक बता रहे हैं कि हम पूरे 4G में स्विच हो जाएगा भाई, हर जगह आपको 4G के नेटवर्क्स मिलेगा हमारे BSNL में। तो इस साल भाई काफी कुछ होने वाला है, इस साल भाई ऑक्शन होने वाली है जहाँ पे भाई 5G के शेयर्स बांटे जाएंगे लोगों को, और जिनके जिसके पास ज्यादा शेयर्स होंगे वो मालिक हो जाएगा, वो ज्यादा इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएगा ज्यादा अच्छे तरीके से। इसके साथ साथ भाई फ्री 5G को छोड़ के पेड 5G कर दिया जाएगा, आपको पैसा देना पड़ेगा 5G को यूज करने के लिए बहुत जल्द, लेकिन अभी टेंशन ना लो, 4-5 महीने है अभी भी, बंदाज यूज करो फ्री 5G, कोई इशू ही नहीं है। और मैं मानता हूँ मैं बहुत टाइम से गायब था चैनल पे, लेकिन अब मैं वापस कर चुका हूँ चैनल पे, और हमेशा वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो, तब तक बाय।